पुस्तक सारांश द बुक ऑफ सीक्रेट्स, रहस्य की पुस्तक। लेखक ओशो। इस पुस्तक में ओशो ने 112 ध्यान तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया है, जो व्यक्ति को अपनी आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। ये ध्यान विधियां विज्ञान भैरव तंत्र पर आधारित हैं, जो ध्यान और आत्मज्ञान प्राप्ति के प्राचीन तांत्रिक सूत्रों का संग्रह है। पुस्तक के प्रमुख बिंदु। एक, वर्तमान क्षण में जीना। ओशो कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह या तो अतीत में जीता है या भविष्य की चिंता करता है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य है कि आप वर्तमान में रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सुंदर दृश्य को देख रहे हैं तो उसे पूरी तरह से देखें, मन को भटकने न दें। उदाहरण, अगर आप समुद्र के किनारे बैठे हैं तो लहरों की आवाज और हवा की ठंडक को पूरी तरह महसूस करें। ध्यान केवल किसी खास मुद्रा में बैठकर ही नहीं, बल्कि हर क्रिया में किया जा सकता है। तो सांसों का ध्यान। सांस एक प्राकृतिक ध्यान विधि है। ओशो बताते हैं कि अगर आप अपनी सांसों को गहराई से महसूस करते हैं तो यह आपको ध्यान में ले जा सकती है। इससे आप अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। उदाहरण, जब भी आप तनाव में हों तो अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। इस दौरान केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह विधि तुरंत आपको शांत कर सकती है। तीन, ध्यान की विविध विधियां। ओशो ने किताब में कई तरह की ध्यान तकनीकें बताई हैं। कुछ ध्यान शांति और स्थिरता पर आधारित हैं, तो कुछ नृत्य, गायन या गहन श्वास के माध्यम से किया जा सकता है। हर व्यक्ति के लिए एक अलग ध्यान विधि काम कर सकती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय है तो वह नृत्य या दौड़ते समय ध्यान कर सकता है, जबकि शांत स्वभाव के लोग स्थिर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। चार, मृत्यु का ध्यान। ओशो के अनुसार मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं है। इसे समझने और स्वीकार करने से जीवन का रहस्य खुलता है। वे सलाह देते हैं कि आप अपनी मृत्यु की कल्पना करें और सोचें कि जब आप नहीं रहेंगे तो यह संसार कैसा होगा। इससे आपको जीवन की अनमोलता का एहसास होता है। उदाहरण, दिन के किसी शांत समय में आप अपनी आंखें बंद करें और यह कल्पना करें कि आप मर चुके हैं। अब उस स्थिति को महसूस करें कि जब आप नहीं रहेंगे तो दुनिया कैसी होगी। इससे जीवन में व्यर्थता की भावना दूर होती है। पांच, प्रेम और ध्यान। ओशो प्रेम को ध्यान की एक उच्चतम अवस्था मानते हैं। वे कहते हैं कि जब आप किसी से बिना शर्त प्रेम करते हैं तो यह एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। प्रेम में आप स्वाभाविक रूप से दूसरे व्यक्ति के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक और समर्पित हो जाते हैं। उदाहरण, जब आप अपने बच्चे या साथी के साथ होते हैं तो उन्हें पूरी तरह से महसूस करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार करें। यह प्रेम एक ध्यान की तरह काम करता है। निष्कर्ष, ओशो की द बुक ऑफ सीक्रेट्स ध्यान के लिए एक अद्वितीय मार्गदर्शिका है। यह किताब हमें बताती है कि ध्यान केवल ध्यान मुद्रा में बैठने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी अपना सकते हैं। चाहे सांस लेना हो, चलना, बोलना या सुनना, हर क्रिया को ध्यान में बदलकर हम अपनी चेतना को जागरूक कर सकते हैं और जीवन के गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं। इस पुस्तक में ध्यान विधियों का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा सकता है और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकता है।